तो गाइज ये चिकन 7 घंटे से मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था, ये देखो कैसा हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी शकील हसन एंड यू आर वाचिंग शाही व्लॉग्स। तो गाइज आज का व्लॉग मोस्ट पॉपुलर डिश ऑफ इंडिया जो कि बिरयानी का होने वाला है। और ये भी कोई ऐसी वैसी बिरयानी नहीं, ये लेयर बिरयानी मतलब परत बिरयानी जिसमें लेयर बाय लेयर चिकन और राइस होता है, जिसमें कि थोड़ा मेहनत है बनाने में लेकिन उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। अगर आपने इस व्लॉग को पूरा देख लिया तो आप बिरयानी बनाने में प्रो हो जाओगे। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो फिर शुरू करते हैं। तो बिरयानी के लिए हमारे पास है 2 kg चिकन, और ये है इंग्रेडिएंट जैसे प्याज हो गया, अदरक हो गया इतना प्याज, 3 नींबू, लहसुन, और ये 23 मिर्चा है 23, और हम ये राइस यूज करेंगे बिरयानी में, ये देखो। और 1.5 kg राइस का हम बिरयानी बनाएंगे जिसमें 2 kg हम चिकन डालेंगे। अभी फिलहाल हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे गरम मसाला है, जो भी मसाला हम बिरयानी में डालेंगे, 2 kg चिकन है और 1.5 kg राइस है। ये है काली मिर्च, सौंफ, धनिया, और छोटी इलायची लिया है हमने 6, और ये जायफल है। हम 5 kg में 1 जायफल का इस्तेमाल करते हैं, और ये कुल मिला के 3.5 किलो हो रहा है, तो उस हिसाब से हम जायफल ले लेंगे। और ये एक बड़ी इलायची है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, ये जायत्री है इतना, और ये जीरा है। तो ये मसाला हो गया। अब इस सब को हम ग्राइंडर में पीस लेंगे गरम करके, और इसी से हमारी बनेगी बिरयानी। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने इस कलछुल से 3 कलछुल घी डाल दिया है। इसमें बिरयानी जो होती है वो घी से बनती है, देसी घी में। ये जब गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज डाल देंगे। और प्याज को फ्राई करके निकाल लेंगे। और हमारा प्याज फ्राई हो गया है, इस कलर का हो गया है देखो। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो प्याज देखो ऐसा हो गया इस कलर का, और जितना प्याज बचा हुआ था वो सारा हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे, चिकन को थोड़ा फ्राई कर लेंगे, और फिर उसके बाद उसमें सारा मसाला डालेंगे। तो चिकन को भून लिया हमने, ये देखो अब कैसा कलर हो गया है। तो जब ऐसा कलर हो जाए तो मतलब ये हो गया है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। और गरम मसाला मिलाने के बाद हम इसमें पेस्ट डालेंगे, मिर्चा, अदरक, लहसुन का पेस्ट, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिला के इसमें हम प्याज डाल देंगे जो हमने फ्राई किया हुआ है पहले से ही, और थोड़ा प्याज हम बचा के रख लेंगे, बाद में जब बिरयानी का लेयर जब होगा तो उसमें डालेंगे। इसमें हम अभी डाल रहे हैं नमक 4 चम्मच, और बाद में हम नमक राइस में डालेंगे, भून लेंगे थोड़ा। और ये पुदीने का पत्ता है जो अभी इसमें मिलाया गया है, और इसमें अब हम मिक्स कर रहे हैं दही मैरिनेट करने के लिए, और इसको अब मिला लेंगे हम अच्छे से। और इसमें हमने 1/2 चम्मच हल्दी डाल लिया है, और नींबू डाला है हमने 1.5। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो गाइस रात के 3:30 बज रहे हैं, और अभी आपने देख हमने मैरिनेट करने के लिए चिकन को रख दिया है। अब उसको हम फ्रिज में रख देंगे। और मैरिनेट करने से एक फ़ायदा होता है कि जो चिकन होता है वो मुलायम हो जाता है। अब बिरयानी में जो पीस मिले वो काफ़ी मुलायम होगा, खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। और तो गाइस ये चिकन 7 घंटे से मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था, ये देखो कैसा हो गया है। अब इसको हम पकाने के लिए चढ़ा देंगे, और ये चढ़ गया है बिरयानी का स्पेशल पतीली जिसमें अभी चावल बनेगा और फिर उसके बाद बिरयानी। इसको चढ़ा दिया गया है तेज आंच पर, ऐसे ही देखने में टेस्टी लग रहा है।
और ये रहा बिरयानी का राइस, जो कि आधे घंटे से पानी में इसको धुल के आधे घंटे से रख दिया गया था पानी में, नीचे पानी है इसके। और ये उसके पतीले में इतना पानी पड़ चुका है, यहाँ चिकन बन रहा है, पक रहा है। इसमें देखो तेज पत्ता डाल दे रहे हैं। 3 चम्मच नमक पड़ गया है चिकन में, ऑलरेडी 4 चम्मच नमक पड़ चुका है इसमें, 4 मिर्चा चावल में, और ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन हम 4 मिर्चा डाले हैं। और थोड़ा कुकिंग ऑयल डालेंगे, तो इसमें अब 1.5 नींबू डाल दिया गया है। नींबू से ये होता है कि चावल जो है वो खिला खिला रहता है थोड़ा। इसमें आधे घंटे से पानी में भिंगा के फुला के रखा गया था राइस को, तो इसमें अब पूरा राइस हम डाल देंगे। अब इसमें सब कुछ हो गया है राइस में, अब इसको ढक के रख देना है और ये पकेगा। और ये देखने में कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा है। चिकन जो है वो टेस्ट करने के बाद थोड़ा फीका लग रहा था, तो इसमें 1 चम्मच नमक और 7 मिर्चा और डाले हैं, क्योंकि मिर्चा जो है हमारा वो तीखा नहीं है, इसलिए हमें और ज़्यादा मिर्चा डालना पड़ा है। देखने में ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है ना। अब ये थोड़ा और देर में पक जाएगा, उसके बाद और लगभग राइस भी बन चुका है वहाँ पे, तो अब इसके बाद जो है वो बिरयानी का तैयारी होगा। तो गाइज़ ये देखो राइस कितना बढ़िया हुआ है, देखने में बिल्कुल भी बहुत अच्छा लग रहा है बिरयानी का राइस। और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे, यानी कि पसा देंगे इसको। तो गाइज़ ये जो बिरयानी का राइस है तैयार है, लेकिन जो पिछली बार राइस था वो कम फैला था, हमें अंदाज़ा नहीं था इस राइस का, ये ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही फैल गया है। बस ये ही नहीं है, देखो 1.5 किलो राइस ये है, और फिर यहाँ पे है और यहाँ भी है। तो अब जो है परत बिरयानी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये रहा चिकन, ये रहा राइस, और यहाँ है प्याज भुना हुआ, और ये खाली पतीली जिसमें नीचे घी डाला हुआ है कि ये पकड़े ना नीचे। सबसे पहले इसमें हम राइस डालेंगे 1 लेयर, देखो ऐसे राइस में भी घी पड़ा था कि राइस जो है वो आपस में चिपके ना, तो देखो राइस कितना अच्छा हुआ, मतलब अलग अलग, बिल्कुल भी जैसा बिरयानी के लिए चाहिए वैसा ही परफेक्ट। अब 1 लेयर जो है, 1 परत वो राइस हो गया, अब 1 परत हम चिकन डालेंगे। और ये कलर जो है वो घी में घोल के रखा हुआ है, मतलब बिरयानी जो है ना इसमें सिर्फ घी का इस्तेमाल करना है तो ज़्यादा टेस्टी होगा। अब ये देखो, अब चिकन के बाद फिर 1 लेयर हमारा राइस का रहेगा ऐसे। ये बिरयानी थोड़ा टफ होता है बनाना, लेकिन ये ज़्यादा टेस्टी होता है। ये कलर डल गया ऊपर। अब इसके बाद चिकन, फिर से इसके बाद 1 लेयर चिकन होगा। अब ये हो गया 4th लेयर, चौथा परत बिरयानी का। अभी देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब जो परत बिरयानी है वो लगभग कंप्लीट है, मतलब इसका जो लेयर लगाना था, जो परत लगाना था, वो कंप्लीट हो गया है। तो ये देखो परत बिरयानी, देखने में ही आपको पता चल रहा होगा कितना लजीज है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में ही। धीमे आंच पे 10-15 मिनट के लिए हम रख देंगे, ढक दीजिए, तब ये तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा खाने के लिए। तो गाइज़ ये देखो बिरयानी बिल्कुल भी रेडी है, तैयार है। और इसको परत बिरयानी बनाया गया था, लेकिन लास्ट में ताकि ये अच्छे से मिल जाए इसको पूरा चला दिया गया है। अब देखो ये बिल्कुल भी अच्छे से मिल गया है,
राइस और ग्रेवी और चिकन जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा टेस्टी लग रहा है। ये देखो आप, अब ये मज़ा आएगा ना खाने में। और भूख लगी है अब सबको, अब हम बैठ के बिरयानी खाएंगे, सेवई खाएंगे और मज़े करेंगे। तो गाइज़ फाइनली बिरयानी तैयार हो गई, लेयर बिरयानी जो कि बहुत ही टेस्टी थी, हम खा चुके हैं। और आई एम श्योर अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप भी खुद से बना सकते हैं और आप प्रो हो गए होंगे बिरयानी बनाने में। अगर कहीं मौका मिले तो आप पीछे नहीं हटेंगे बिरयानी बनाने से। सो गाइज़ ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे नए हो तो, और शेयर करो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जाने कि लेयर बिरयानी बनारस की कैसी होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी शकील हसन एंड यू आर वाचिंग शाही व्लॉग्स।